नमस्ते उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत, मैं आपके साथ अरिंदम जहान शेख। बुरे की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा का मामला सामने आया। 3 दर्जन से अधिक लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। पथराव करने वाले लोगों को चिन्हित भी किया गया है, चिन्हित कर उन्हें पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन भी कर दिया गया है। कौशाम्बी प्रतापगढ़ की भी फोर्स तैनात कर दी गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और जिस तरीके से जुम्मे की नमाज के बाद जो स्थिति खराब हुई है और उसके बाद कई राज्यों से इस तरह की जो खबरें हैं वो सामने आई, प्रयागराज की तस्वीरें हैं जहाँ पे जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा का पूरा मामला सामने आया। 3 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल स्थिति को काबू करने के लिए भारी पुलिस बल को भी इलाके में तैनात किया गया है। तो जुम्मे की नमाज के बाद एक बार फिर से जो है बवाल साफ तौर पर देखने को मिला, जिसमें कई आला अधिकारी भी जख्मी हुए हैं। और ये तस्वीरें देखिए, आपको बता दें कौशाम्बी प्रतापगढ़ की पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। इससे पहले भी जुम्मे की नमाज के बाद कानपुर हिंसा बवाल जो था वो साफ तौर पर देखने को मिला था। और उसके बाद तमाम सख्ती के बावजूद जो है जुम्मे की नमाज में पथराव घटना हुई, और जिस तरीके से ये हिंसा हुआ है लगातार नूपुर शर्मा के बयान के बाद से। सहयोगी संदीप फोनो लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, एक बार फिर से जुम्मे की नमाज के बाद जिस तरीके से स्थिति बिगड़ती हुई नजर आई है, फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, यहाँ पर फोर्स तैनात कर दी गई थी, देर रात से ही पूरा मामला यहाँ पर जो है वो कंट्रोल में आ गया था, लेकिन शुरुआती दौर में काफी उपद्रव मचाया था उन लोगों ने। अब उस मामले में करीब 37 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और 35 नामजद और करीब 1000 लोगों अज्ञात के नाम जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया, और वीडियो और सभी जो भी साक्ष्य है उसके उसको देखकर उसमें से लोगों को पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात पुलिस लगातार कह रही है। बिल्कुल संदीप, और जिस तरीके से कई आला अधिकारी भी इसमें जख्मी हुए, खुद आप भी वहां पर कवरेज कर रहे थे, इस दरमियान आपको भी चोटें लगी है, क्या कुछ स्थिति है संदीप? देखिए, जब उस समय पथराव शुरू हुआ तो चारों तरफ से जो है वो पत्थरबाजी ये शुरू हुई अचानक, जिसमें सभी लोग फंस गए और बहुत से जो है पुलिसकर्मी चोटिल हो गए, और जो मीडिया कर्मी वहां पर जो है कवरेज कर रहे थे उनको भी चोटें आई। उसी में हमें भी जो है वो पत्थर लगे, हमें भी चोटें आई हैं। और लेकिन जिस तरीके से अचानक ये पत्थरबाजी शुरू हुई वो पूरा ऐसे लग रहा था कि जैसे इन लोग पहले से ही इस बात की तैयारी करके रखे थे कि इन्हें इस तरीके का उपद्रव करना है। बिल्कुल संदीप, और जिस तरीके से हम भी लगातार दिखा रहे थे कि पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया, जुम्मे की नमाज से पहले भी तमाम व्यवस्थाएं की गई, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं देखने को मिली। बिल्कुल, पुलिस लगातार इनको एक दिन पहले से ही समझा जो है वो अनाउंस करके इनको जागरूक कर रही थी और बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कल का जो मामला हुआ वो जुम्मे की नमाज के बाद लोग गलियों से होते हुए सड़क पर, जो अटाला क्षेत्र है वहाँ सड़क पर, जब पुलिस ने उनको समझाने की कोशिश की, पीछे करने की कोशिश की, हटाने की कोशिश, उस दिन वो उस समय वो उग्र हो गए और उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। उसके बाद का जो वहाँ का मंजर था वो ऐसा हो गया कि सड़कों पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिखाई पड़ रहे थे। और संदीप, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पूरे निर्देश दे दिए आला अधिकारियों को, पुलिस प्रशासन को, कि अपने हिसाब से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। पुलिस लगातार अब इस बात को जो है वो शुरू कर चुकी है, खंगाल रही है, जो भी फुटेज उनके पास है उसमें से लोगों को चिन्हित करके उठा रहे हैं। अभी तक करीब 37 लोग जो है वो उठाए जा चुके हैं, बाकी जितने भी उपद्रवी हैं उनके खिलाफ पुलिस बहुत ही सख्त कार्रवाई करने के मूड में है। वो लगातार उन लोगों को चिन्हित कर रही है, वीडियोस में देख रही है, उनको पहचान रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो शुरू कर चुकी है। ठीक संदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें जिस तरीके से ये हिंसा साफ तौर पर देखने को मिला है, नमाज के बाद स्थिति जो है बद से बदतर होती चली गई। कौशाम्बी प्रतापगढ़ की भी फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया। आपको बता दें कि कई मीडियाकर्मी भी इसमें जख्मी हुए, कई आला अधिकारी भी जो है जख्मी हुए, 3 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है और लगातार सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी पूरे स्थिति पर नजर बनाए हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी तमाम दिशा निर्देश जो है अधिकारियों को पारित कर दिया है कि अब अपने हिसाब से जो है कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ डिप्टी सीएम का भी बयान सामने आया कि पहले उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त था और आगे भी रहेगा, इस तरह के उपद्रवियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि जुम्मे की नमाज से पहले भी भारी पुलिस बल को मस्जिदों के बाहर तैनात किया गया था, क्योंकि कानपुर हिंसा साफ तौर पर देखने को मिला, वो भी जुम्मे की नमाज के बाद ही हिंसा हुई थी। और ऐसे में
कल जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर था, लेकिन उसके बावजूद जो है स्थितियां बद से बदतर हो गई। और जिस तरीके से अलग अलग राज्यों से तस्वीरें सामने आई जहां पर हिंसा जो है भड़कती हुई नजर आई, आपको बता दें कि चिन्हित कर लिया गया है और कई टीमों का गठन भी कर लिया गया है। अब लगातार सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और उसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो है कार्रवाई को अब अंजाम दिया जाएगा।